देखो जो हमारी आशा बहनें हैं उनके लिए हमने कितनी सारी मांगे रखी हैं, ये सोचेंगी कि हमारे लिए तो कोई मांगे नहीं है, इसलिए हमें आपकी मांगे भी बता देते हैं। जो आशा बहनों के लिए जो मांगे हैं, आप तो कहते हो कि हमें मानदेय नहीं चाहिए, हमें तो जो मिल रहा है उतना ठीक है, तो क्या वो आपको जो मिला है वो सम्मानजनक मिल रहा है क्या? वो सम्मानजनक नहीं है आपके लिए, आपको कोई सम्मान नहीं है। आप जितना काम करती है उसका जो परसेंटेज होता है उसके हिसाब से दिया जा रहा है। मेरी बहनें जरा अभी उठे नहीं, अभी समापन नहीं हुआ है, अपनी बात सुन लिया। आशाओं की रसोइयों की बात आई तो उठकर खड़े हुए, अपनी बात सुनने के बाद आशा रसोई जो बहनें हमारे साथ बैठी है उनकी भी बात सुनिए और उनको सुनने दीजिए। इसमें जो आपका प्रावधान जो हमने रखा है, आपका भी यही रखा है कि आपको भी रसोइयों को भी और आशा बहनों को 18,000 रुपये मानदेय दिया जाए, जो कि हमने मांग रखी है। एक इसमें रखा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए पर्याप्त धन आवंटन किया जाए, और इसमें पीएच सीसीएचसी अस्पताल समेत स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कराया जाए, और सभी पीएचसी सीसीएचसी अस्पतालों में आशाओं के लिए गेस्ट रूम रखा जाए। आप अस्पताल में डिलीवरी लेके जाती हो, वहाँ ठहरने के लिए है कुछ आपके लिए? आप इधर उधर घूमती रहती हो, मरीज अपने बेड पे चला जाता है, तो आपके लिए हमने रखा है आपके लिए एक स्पेशल रूम होना चाहिए रात्रि में विश्राम करने के लिए, कि डिलीवरी हो रही है तो होती रहे, डॉक्टर नर्सें देख रही हैं और आप आराम से अपनी रात को विश्राम वहाँ पे हॉस्पिटल में कर सकें, इसका भी इसमें प्रावधान रखा गया है। और इसमें रखा है आशाओं के मिलने वाली राशि को एडवांस में उपलब्ध कराया जाए। आपको जो पैसा मिलता है आप पहले उसमें वाउचर जमा कराती हैं, सारे बिल जमा कराती हैं, उसके कई 4-6 महीने बाद आपका पैसा आता है। अगर हमको मिलना ही है पैसा तो 4-6 महीने बाद क्यों आता है? उस राशि को पहले एडवांस में दिया जाए, और जब भी हमारे बिल वाउचर जितने तैयार हो उसके हिसाब से हमें तुरंत वो पैसे का भुगतान कर दिया जाए। ये आशा बहनों के लिए बात हो रही है। सभी बहनों को कार्य करना है, कल से अपने सेंटरों का संचालन करना है, टीकाकरण करना है, बीएलओ करना है, पोलियो करना है, सारे काम करने हैं। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।